हेलो एवरीवन, माय नेम इज संदीप और आप देख रहे हैं आपका अपना ही चैनल हाइब्रिड बारकोड सर्विसेज। और मैं आपके पास आज एक और प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आ गया हूं। आप देख रहे हैं ये प्रिंटर होगा आपके पास में, TSC नाम है इसका। इसका मॉडल का नाम है TSC TE 244। और एक बहुत ही टाइम से मैंने एक चीज नोटिस किया, बहुत से लोग मेरे पास में कॉल करते हैं और पूछते हैं कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस प्रिंटर में एक ये प्रॉब्लम होती है। पास आइए, मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये जैसे आपका ये रोल लगा होगा और ये जब रोल लगता है तो इसको फाड़ते समय ये ऐसे करके फट जाता है, ये ऐसे, और ये इतनी थोड़ी सी गम इसमें स्टिकर पे रह जाती है। तो जब आप इसको ऐसे करके यहां पे रखेंगे और ऐसे करेंगे और जब इसको प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे ये ग्लू की वजह से ये अंदर देखिए लपेटने लगता है। ये देखिए अंदर लपेट रहा है, ये देखिए अंदर लपेट गया इसके अंदर में। अभी सही से इसके में हो नहीं पाया है, मैं और अच्छे से दिखाता हूं क्योंकि ये आपने जैसे अभी तो मैं मैन्युअली इसको ऐसे करके फाड़ के दिखा रहा हूं। अब जैसे आपने इसको यहां पे रखा, ये यहां पे ग्लू है और ये ग्लू यहां पे जब आप इसको स्टिकर को यहां से रोल को लगाते हैं इस जगह पे और इसको ऐसे बंद करते हैं तो जब आप इसको फीड बटन दबाते हैं या प्रिंट कमांड देते हैं तो ये देखिए इसमें आपको मैं खोल के दिखाता हूं, ये स्टिकर का रोल अंदर जाने लगा, उसके अंदर फंसने लगा। कई बार क्या होता है कि ये वाला रोल भी इसके अंदर में फंस जाता है, ये ब्लैक कार्बन का रोल इसके अंदर में फंस जाता है, अंदर रोल हो जाता है। मैं थोड़ा सा और इसको अंदर फंसा के दिखाता हूं आपको। ये देखिए ये पूरा का पूरा इसके अंदर में जाके लपेट रहा है। देखिए ये वाला रोल इसके इस ब्लैक वाले के अंदर में, रोलर के अंदर में जाके फंस गया है और ये बहुत टाइट होता है, इसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। मैं आपको इजी तरह बताता हूं कि ये किस तरह से इसको निकालते हैं बाहर। तो देखिए मैंने इसको इस वाले प्रिंटर को यहां से ओपन किया है और आप देख सकते हैं ये यहां पे रोलर लगा हुआ है। पास दिखाइए, पास लाके दिखाइए, ये ब्लैक कलर का रोलर बना हुआ है। ये इसको मैं दोनों अंगूठों का यूज करूंगा, दोनों साइड से ऐसे करके फंसाऊंगा और पीछे की साइड में धक्का दूंगा ऐसे ऐसे। ये जब मैं पीछे के साइड में धक्का दूंगा तो ये रोलर से ये अनवाइंड होने लगेगा स्टिकर। देखिए ये यहाँ पे अनरोल होने लगा है, अंदर आप देखेंगे साथ साथ में ये अनरोल होने लगा है। अनरोल जब होगा, जब ढीला हो जाएगा तो इसको एक साइड से इसको देखिए, मैंने स्टिकर को बहुत तेज नहीं खींच रहा हूं, केवल हल्का सा पुश कर रहा हूं और इधर से रोलर को ये रोल अनरोल कर रहा हूं। ये देखिए आगे साइड में धक्का दे रहा हूं तो ये ऐसे करके इजली आप निकाल सकते हैं। देखिए मैंने कितनी आसानी से इसको निकाल दिया है, ये देखिए फंसा हुआ था और ये इजली इससे रिमूव हो गया और ये जो थोड़ा सा बचा है और मैंने इसको ऐसे करके निकाल दिया। तो देखिए कितना आसान तरीका है, लेकिन ये थोड़ा सा शायद मैं इसे करना जानता हूं इसलिए मैं बहुत अच्छे से कर लिया है मैंने। और इसी तरह से आप थोड़ा सा पेशेंस करके आराम से निकाल सकते हैं, ये पूरी तरह से निकल गया और आप फिर इसको इजली आप निकाल सकते हैं, इसे लगा सकते हैं। और दूसरी सी एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ये कई बार स्टिकर इसमें लगा होता है, ये वाला स्टिकर इसमें लगा होता है और ये ऐसे करके इसमें लपेटा रहता है तो इसको निकालना जरूरी होता है क्योंकि इसकी वजह से आपकी प्रिंटिंग प्रॉपर नहीं आएगी और इसको निकालना जरूरी है, इसको निकालना जरूरी है। आप अगर इसको नहीं निकालेंगे तो ये प्रिंटिंग सही नहीं आएगी। आप उसी तरह से जैसे जो मैंने प्रोसेस आपको बताया था निकालने का, उसी तरह से देखिए अनवाइंड करके इसको निकाल के हटा देना है इस छोटे से स्टिकर की वजह से जो उसमें वेस्टेज लगा हुआ था। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने आपको पूरा वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है और बिल्कुल आपको वही स्टेप वैसे स्टेप करना है, नहीं तो वो आपका निकलेगा नहीं, इसलिए बहुत मुश्किल है आपके लिए, मेरे लिए बहुत आसान है, मैंने इजिली निकाल दिया। दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, अच्छा लगा बेकार लगा। अगर आपको कोई क्वेरी है इस वाले प्रिंटर से रिलेटेड या किसी भी बार को प्रिंटर से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर छोड़ रखा है, ईमेल लिख रखी है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो उसे लाइक करके जरूर जाइएगा। थैंक यू सो मच।